हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल इजी गार्डनिंग में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके जो है मेरे गार्डन फूलों से जो है भरने जा रहा है और यहाँ पर कोलियस की खूबसूरती भी काफ़ी निखर के जो है आ रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पर मेरी सारी गुलदावरियाँ लगी हुई हैं जो कुछ ब्लूम कर रही हैं और कुछ अभी जो है ब्लूम करने के लिए जो है रेडी हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके गार्डन में भी आप चाहते हैं कि ज़्यादा फ्लावरिंग हो तो फ्रेंड्स आज मैं इसी के बारे में बताऊँगी। तो इनकी क्या केयर करनी चाहिए और किस तरह से इनको जो है फर्टिलाइज़र जो है देना चाहिए और कौन सा देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इस बार मैंने गुलदावरी बहुत कम लगाई हैं क्योंकि जगह जो है कम होने के कारण। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए गुलदावरी में अगर आप ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो अब तो देखिए पिंचिंग का टाइम ख़त्म हो चुका है। अगर आप अगले नेक्स्ट ईयर लगाएंगे तो उनमें जो है आप शुरू से ही जब पिंचिंग करेंगे तो इनकी न्यू ब्रांच जो है बनेंगे, प्लांट हमारा बुशी जो है हो जाएगा। चलो छोड़िए, अब तो वक्त नहीं है, लेकिन अब है फर्टिलाइज़र की बारी। फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट पर जो है बड्स नहीं बन रही हैं तो आप अभी से ही जो है उन्हें फर्टिलाइज़र देना शुरू कर दीजिए। और फर्टिलाइज़र में जो है सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र इनके लिए जो है वो है मस्टर्ड केक, यानी कि सरसों की खल का फर्टिलाइज़र। तो कई बार मैंने वीडियो में जो है शेयर किया है आपके साथ, तो इनके लिए क्या सभी फूलों वाले प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा जो है अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आप 15-15 डेज में दीजिए या 7-7 डेज में दे दीजिए इसको, तो इन पर जो है कलियाँ बहुत अच्छी जो है बन के आएंगी और फ्लावर भी काफ़ी अच्छे जो है निकल के आएंगे। ये मदर ही प्लांट था, मैंने कटिंग से रेडी नहीं किया है ये देखिए, और इस पर भी काफ़ी अच्छी जो है ये देखिए बडिंग हो रही है और फ्लावर खिलने के लिए जो है बिल्कुल एकदम रेडी है। तो मैं मदर प्लांट जो है काफ़ी सारे रखती हूँ क्योंकि मुझे कटिंग लेनी होती है उनसे, तो इसमें काफ़ी सारी कटिंग से रेडी है और कुछ मदर प्लांट है, तो मदर प्लांट पर भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग जो है होगी। यहाँ पे दिखाऊँ मैं, मेरा ये येलो कलर की गुलदावरी है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा मदर ही प्लांट है, ये सबसे पहले मैं बताऊँ तो सबसे पहले मेरे गार्डन में यही एक प्लांट आया था गुलदावरी का। तो फ्रेंड्स, ये जो है मैं कैसे लेके आई इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताऊँगी। तो हमारे नेबर हैं यहाँ पर, उन्होंने जो है इसे कटिंग करके फेंक दी थी, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं ले सकती हूँ, तो उन्होंने कहा ले लीजिए। तो मैंने इसी कटिंग लगाई अपने गार्डन में लगा दी और अब ये कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 साल के करीब शायद इसको हो गए होंगे हमारे गार्डन में ऐसे ही लगे हुए। और इस मदर प्लांट को मैं कभी निकालती नहीं हूँ, इसी तरह से मैं जो है छोड़ देती हूँ इसी गमले में और इसी से ही कटिंग ले लेके काफ़ी सारे प्लांट जो है मैं तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्लांट है हमेशा ही हमारे गार्डन में जो है बना रहता है अगर हम इसकी केयर ठीक से करें। अब बात बताती हूँ फ्रेंड्स धूप की और पानी की। तो धूप, जैसे कि फ्लावर प्लांट है तो उनको धूप तो बहुत ज़्यादा चाहिए, तो हमें ऐसे ही प्लेस इनको जो है देना चाहिए जहाँ जो है पूरे दिन की धूप जो है इन्हें मिले। अगर धूप नहीं मिलेगी फ्रेंड्स तो फिर इन पर फ्लावरिंग अच्छी नहीं होगी। और पानी की बात करें तो जैसे अब सर्दी है तो पानी हमें तभी दें तब गमले की मिट्टी थोड़ी सूखी सी हो जाए, उसके बाद ही हमें जो है इसमें पानी देना चाहिए। पानी हमें देना ऐसा नहीं है कि नहीं देना है, आप मिट्टी को चेक करिए और फिर उसको जो है पानी दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके गुलदावरी पे कोई भी एफिड का अटैक होता है तो आप जो है इसमें नीम ऑयल वगैरह कर सकते हैं या कोई भी केमिकल जो है पेस्टिसाइड दे सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक भी दे सकते हैं। पहले ऑर्गेनिक दे के दीजिए, अगर फिर अगर ऑर्गेनिक से आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो फिर आप केमिकल भी दे सकते हैं, क्योंकि मौसम ऐसा है कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरी गुलदावरी पे भी जो है ब्लैक एफिड का अटैक जो है हो चुका है और कई बार मैंने इनको जो है पेस्टिसाइड दे दिया है, लेकिन मैं जो है देती ही रहती हूँ इनको ताकि मेरे फ्लावर जो है अच्छे से बने रहें, प्लांट जो है मेरे अच्छे बने रहें इसलिए। तो फ्रेंड्स, यही सब केयर करनी है गुलदावरी प्लांट की तो आपके गार्डन में फूलों की बाहर ही बाहर जो है होगी। तो फ्रेंड्स, जब मेरे प्लांट जो है अच्छे से पूरी तरह से ब्लूम करेंगे तो फिर से वीडियो शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय।